फ्रॉम दैट डे टू द इटर्निटी। हाँ, जब तक हम लोग बाहर मिले बस यही खाते थे। आजी ऑटो में मैं आई, उस ऑटो का ब्रेक खराब था। मतलब ये बहुत बहुत इरिटेट कर रहा है, मैं इरिटेट मतलब क्या, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये वाला जो घर है, मतलब मेन डोर से निकल के ये वाला जो घर आता है, जहाँ पे अभी सिर्फ आज सावन का एक और सोमवार है। कल मम्मी से पता चला इस बार का सावन का महीने में 8 सोमवार आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल, एक सावन का महीना तो बस 4 ही होते हैं, 8 कैसे हो गए भाई? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने एक्सप्लेनेशन पूछा भी नहीं। जो भी है, बिकॉज ऑफ विच आज जिम नहीं कर पाऊंगा, तो आज अगेन 4 दिन से मैं जिम नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं, ये क्या है कि तुम जिम 4 दिन से, फ्राइडे में जिम नहीं कर पाया क्योंकि ये घर पे थी, सैटरडे वेज होता है, संडे इसके घर पे था, मंडे सावन का महीना वेज, तो वेज मतलब नो जिम। ये क्यों है? तो प्रोटीन चाहिए मेरे को, कुछ भी, मेरे को वेट गेन कराना है, तो मैं मतलब एक्सरसाइज करके अगर खा ही ना पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा एक्सरसाइज। तो जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस, कल मैं घर लौटा था फ्रॉम इंद्रानीस प्लेस, 10:30 बज गए थे। तो मेरा क्या काम था कि मेरे को 12 बजे के अंदर एक वीडियो पूरा जीरो एडिटेड था, और ये अपलोड मतलब एडिट करके अपलोड करना है, और उसके साथ एक क्लाइंट वीडियो था, मतलब वो प्रमोशनल वाला फॉर इंद्रानी, तो वो मेरे को, मैं उसका सारा काम तो मैं ही करता हूँ, वो मेरे को करना था। तो आई वॉज टोटली मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है। तो मैं व्हाट आई डिड वाज, उतना नहीं सोच के आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट वाज नेसेसरी। तो मेरे लिए क्लाइंट वीडियो पहले आता है, तो क्लाइंट वीडियो मैंने एडिट किया, रात को भेजा, एंड देन इसको भी आधे से भी कम एडिट किया, एंड देन बहुत नींद आ रहा था तो सो गया। सुबह उठे आज 8:30 बजे, तो इंद्रानी सो रही थी, मैंने उसको नहीं जगा, मैं आया, करता गया, एंड नाउ इट्स 11:33 एंड इट इज़ डन। और दोबारा से मेरे को क्लाइंट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसको मेरे को फिर से एडिट करके भेजना पड़ा, वो भी मैं सुबह किया। तो द थिंग इज दैट कि मेरे लिए ना वर्क इज़ लाइक वर्शिप, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। ये बताने का एंटायर पॉइंट ये था कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं, द इजी वे टू डू इट इज, उतना मत सोचो, अभी के लिए जो पॉसिबल है, हाथ में है करना, जितना बॉडी दे पा रहा है उसमें से करो, और अगर आपके अंदर वो चाहत बहुत है ना कि आपको ये करना ही है, तो नहीं हो जाता है, मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मेरे को बहुत भूख लगा है सुबह 10:30 से, मेरे को अभी तक मैं खाया नहीं हूँ, अभी जो मैं चाहूँगा खाने, तो ये थोड़ा इधर उधर नींद काम ऑल दोस थिंग्स टायर्डनेस उसके बाद भी करो, बट मज़ा आता है। तो यह है इंद्रानी का टिफिन दोपहर का, 2 केला और ये बिस्किट। मतलब ये दोपहर को, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि एक ऐसे टाइम पे कोर्ट है कि वहाँ पे चावल लेके जाना डिफिकल्ट हो जाता। मैं तो कॉलेज में चावल, मतलब मेरे पास तो 6-7 कटोरे होते थे, जिसमें एक में चावल, एक में मछली, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में चटनी, पूरा एकदम दोपहर का जैसा खाना होता है घर पे, वह कॉलेज में वैसे ही खाता। मतलब पहले दिन जब ये मुझे मिलने गया था, द फर्स्ट डे, उस दिन तो हम लोग बाहर ही खाए थे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स टिल इटर्निटी, जब तक हम बाहर मिले। मैंने देखा ये, मैं बोल, उसने बोला कि मैं ना टिफिन लाई हूँ, तो आज मैं ना टिफिन लाया हूँ, तो ये मुझे बोला कि मैं ना टिफिन लाया हूँ, तो आज मेरे टिफिन का ही खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, क्या होगा। ये कटोरा निकलना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 2 कटोरे में चावल था, एक में दाल, एक में सब्जी और एक में मछली, मछलियाँ। From that day to the eternity, हाँ। जब तक हम लोग बाहर मिले बस यही खाते थे, मैक्सिमम मतलब 95% ऑफ द डेज। उसमें मेरा टिफिन भी होता था, मैं क्या लेके जाती थी, दो रोटी, पूरी, मैगी, चाउमीन, पास्ता मिला के, हाँ। मेरा फिक्स्ड। तो जो भी है, ये कोर्ट से आने के बाद लंच करते हैं, कभी कभी 6 बजे भी लंच हो जाता है इसका, तो बट कुछ कर नहीं सकते, मतलब कर नहीं सकते, मतलब ये अगर मेरी तरह, एक्चुअली यू हैव टू बी बेशरम, वो मतलब इतना कटोरा बिछा के खाने में मेरे को शर्म आता था, बट पेट पहले आता है ना। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। जिस ऑटो में मैं आई, उस ऑटो का ब्रेक खराब था, हाँ, ऑटो का ब्रेक खराब था, और यहाँ से मध्यम ग्राम तक रास्ते में काम चल रहा है ना, इसलिए ऑटो वाला ने बताया कि वो जो मटेरियल डाला है रास्ते पे, उसमें तेल भी मिलाते हैं, इसलिए जो ऑटो का पहिया है वो भी स्किप कर रहा है और ब्रेक भी खराब।
मतलब तीन बार हुआ कि ऐसे ऐसे करके कर रहा है ऑटो वाला, फिर भी नहीं मतलब रुक रहा ऑटो, और मैं तो ऑटो के सामने एकदम साइड में बैठी थी। एक बार बाइक से टकराते टकराते बचा, एक बार एक लड़की को मार रहा था जो साइकिल से ऐसे क्रॉस कर रहा था, और एक बार लॉरी से टकराते टकराते बचा। मैं सोच रही थी कि उतर जाऊँ अब, फिर मैंने भगवान का नाम लिया। यहाँ पे अभी काफी तेज बारिश चालू हो गया। तो जब मैं इंद्रानी के घर पे गया था ना, मतलब हम दोनों ही गए थे वहाँ पे ना, उतना बारिश नहीं हुआ उतना, मतलब क्या बाप हो ही नहीं रहा उधर का वेदर, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी है उधर। मतलब अभी यहाँ पे तो मतलब दिन में दो बार तीन बार क्योंकि बारिश हो रहा है, इसलिए बहुत प्लेजेंट वेदर है। 7 बज रहे, 7 बजे लोग रात का खाना खाते हैं जापान में, और इंडिया में अभी लंच किया जा रहा है। रात को खा पाओगी 10:30 बजे 3.5 घंटे बाद? रात में तो मैं रोटी खाती हूँ। अंदर जाएगा पेट के अंदर? तो जब तक इंद्राणी खा रही है मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारा जो ये घर है, मतलब ये घर मतलब तो घर मतलब रूम, तो ये रूम एक्चुअली मतलब कुछ काम नहीं आता है, बट ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के खाने वाने का सिस्टम मतलब टेबल वेल लगा के कर सकते हैं, बट जो भी ऊपर आप देख रहे हो इधर काम चल रहा है। तो हमारे घर में क्या सीन हुआ था, जब मेरा रजिस्ट्री हुआ था उसके पहले, क्योंकि बहुत लोग आने वाले थे रिलेटिव्स वगैरह, मतलब बहुत नहीं कुछ कम लोग, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत सारा घर में रिपेयरिंग हो गया था। कौन कौन से घर? ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, ये घर और ये रसोई घर। तो बचा रहा ये वाला घर और ये जो हमारा रूम है मतलब घर है जो हमारा डाइनिंग स्पेस है, ये वाला उतना काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे एक स्टोर रूम हमने बना के रखा है, तो ये वाला भी अंधेरा है, अंधेरा रहना, तो यहाँ पे भी वैसा कुछ खास काम नहीं हुआ, बट साफ सुथरा सब कुछ है। इसका भी ट्यूशन पढ़ा रही है ये। मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब ये बहुत बहुत इरिटेट कर रहा है, मैं इरिटेट मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ऑफ कुछ इरिटेशन आ रहा है, दैट इज़ अब देखो मतलब जब इसका पढ़ाने का टाइम होता है या फिर कुछ भी किसी से बात करिए फ़ोन पे, और मेरा लैपटॉप आप देख पा रहे हो यहाँ पे है ऑफिस का लैपटॉप, या फिर मैं एडिटिंग का काम जो भी करता हूँ, या फिर कोई और मीटिंग्स होते हैं क्लाइंट मीटिंग्स, तो मेरा का इससे मीट मतलब इससे ही चलाता हूँ मैं, तो मतलब ये मेरा घर का सेटअप ही है, मतलब सारा काम है यही मेरा काम करने का जगह, यही मेरा सोने का जगह दिन में है, रात में ऊपर जाके सोता हूँ हम सब। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये ट्यूशन पर आती है अपना, जब ये ट्यूशन पर आती है अपना, उसी टाइम अगर मेरा कोई काम आ गया, मान लो ऑफिस का कॉल है मीटिंग है, तो ना मैं उस मतलब जिससे मीटिंग हो रहा है उसका बात ठीक से सुन पाता हूँ, ना मैं बोल पाता हूँ, अगर मैं बोलना चालू किया इसको इरिटेशन, ये मेरे को मतलब पीटने ही लगती है, मुंह से ज्यादा हाथ चलते हैं, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद मैं निकल के जाऊँ कहाँ। ये वाला जो घर है मैं आपको दिखाया, इस वाले घर में मम्मी पढ़ाती है, ये टेबल जो आप देख रहे हो, इस वाले घर में पापा रहते हैं, तो अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरे को ऊपर जाना होगा। अब ऊपर क्यों नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज ऊपर में अभी गर्मी का मौसम है, समर टाइम तो बहुत ज्यादा हीट होता है, मतलब वहां पे जाऊंगा तो एक मिनट में पूरा पसीना से नहा जाऊंगा। अब ऊपर जाके मैं एसी चला सकता हूँ, वो भी ऑप्शन है, फिर क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है, एसी हमारे घर का जो वायरिंग का सिस्टम है, एसी एट ए टाइम 2 ही चल सकता है। अब मानो पापा वो घर वाले घर में है, तो वो वाला घर में एसी चलेगा ही, पापा एसी के बिना नहीं रहते, और अगर इसने बाय एनी चांस ये एसी चला दिया और मैं ऊपर जाके एसी चलाया, तो फिर फ्यूज उड़ जाएगा, उसके बाद पापा भूल जाएंगे कि वो मेरे पापा है, हिटलर बन जाते हैं। तो पापा उस घर में तो अकेले ही रहते, उस घर में जाने से क्या प्रॉब्लम है? मेरे को दिक्कत होता है पापा के सामने बात करना, ये सब क्यों? बहुत इशू होता है मेरे को, मतलब अंदर से वो कॉन्फिडेंस लैक करने लगता है कि मतलब क्या पापा के सामने क्या काम का चीज दिखाऊं मैं, बहुत बहुत अजीब लगता है, मेरे से नहीं होता है। तो यही चीज अगर तुम ठीक करो तो हो सकता है ना? ये हो सकता है बट बहुत, अब क्या बताऊं, ये मतलब पापा के साथ आप समझ रहे हो, हर लड़के का पापा के साथ वो वाला एक मेंटेन करना होता है या फिर मेंटेन होता रहता है अनजाने में, तो वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना इज हाई टाइम कि मतलब अपना घर का जो भी सेटअप बनाना है सेटअप बना लेना होगा, मतलब तो ये वाला जो घर है मतलब मेन डोर से निकल के ये वाला जो घर आ रहा है जहाँ पे अभी सिर्फ क्या बताऊँ स्टोर रूम काइंड ऑफ बन चुका है, बक्सा वक्सा सब पड़ा हुआ है, दैट्स माय राइडिंग जैकेट, तो इस घर को मेरा वर्किंग स्टूडियो बोलो या फिर ऑफिस बोलो, ये बनाने का पूरा प्लानिंग है, बट अभी तक बना नहीं है क्योंकि वहां से फिर सब कुछ शिफ्ट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि
काम करने का और रहने का जगह ना दोनों अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप काम करना चाहो ना तो आप एज आई टोल्ड यू बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप इस हाई टाइम की ये करना चालू किया जाए, लेट्स सी। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ये आता है कि ये घर हमारा इन फ्यूचर बेडरूम होगा। बट इसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये पूरा मतलब बहुत पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, लगभग एक दो साल पहले का बात, जब मम्मी पापा में बात होता था कि कौन सा रूम लेना चाहिए, तो एक्चुअली वी आर सजेस्टेड कि हम ऊपर वाला जो कमरा है मतलब बहुत बड़ा है, मतलब दो बेडरूम मास्टर बेडरूम के साइज का वो घर है, तो वो हम लोग ले लेते हैं। साइज के हिसाब से अगर वो लेते तो बहुत सही से सजा भी पाएंगे, बहुत कुछ सब कुछ सही होगा। बट द प्रॉब्लम क्या है, ऊपर में अगर ठंड के मौसम है ओनली फॉर द विंटर, अब इंडिया मतलब कोलकाता में विंटर तो दो महीना मतलब टान टूट के दो महीना रहता है, बाकी का जो 10 महीना रहा वो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ऊपर में अगर रहेंगे तो चैन से नहीं रह मम्मी, तो ऊपर हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये वाला घर छोटा है बट बहुत ठंडा रहता है, और ये जो एसी है वो मतलब तुरंत ठंडा करता है क्योंकि छोटा घर है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आई थॉट कि मैंने इसको भी बात किया, बट रूम छोटा है बिकॉज ऑफ विच सजाने में दिक्कत होगा, बेड लगाओगे तो बाकी जगह नहीं बचेगा। और मैं जब से इस घर में आ रही हूँ मतलब कॉलेज के टाइम से, जब से पहली बार आई हूँ और फिर आता ही गया तब से मैं इसी रूम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी स्पेंड टाइम ऑन दिस रूम। तो इस रूम से एक लगाव भी है। मेरा सिर्फ ये लगाव है कि ठंडा रहता है तो इसलिए ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट अगर ऊपर सेटअप बनाया भी जाता है यहाँ पे मेरे को रहना ही होगा बिकॉज ऊपर नॉट पॉसिबल। और ऊपर अगर ठंडा करने के लिए एक एसी में ठंडा नहीं होता, दो एसी चलाना होता है। अगर दो एसी चलाएंगे ऊपर मम्मी पापा नहीं रहेंगे शादी के बाद, तो मम्मी पापा नीचे आएंगे तो नीचे एसी नहीं चला पाएंगे, फिर फोन करके बोलेंगे एक चल रही है दो चल रहे हैं ऊपर इधर एक चलाना है, वो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए अभी यही हमारा बेडरूम बनेगा। तो इस रूम में तो आप लोग देख ही सकते हो कि पूरा ठीक ही है, बस कुछ चेंजेस करना है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो टाइल्स हो रखा है, इस टाइल्स में हम लोग इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि हम लोग वॉलपेपर खरीद लेंगे और इसके साथ इस पे वॉलपेपर लगा देंगे। मेरे को ना सही लगता है, मुझे नहीं लगता है क्योंकि और टाइल्स पे पहली बात वॉलपेपर लगता है कि नहीं वही नहीं पता है। लगता है, मैंने देखा था ना एक स्टिकर लगा के कि लगता है। और एक चीज की इस घर में जो कलर हुआ है वो मेरे हिसाब से ही हुआ था हमारे हाँ। रजिस्ट्री के टाइम पे, तो ये वाला जो कलर है इसके साथ हमने देखा कि व्हाइट कलर का एक ब्रिक जैसा मिलता है वॉलपेपर, तो वो 3D वॉलपेपर होता है वो, मतलब वो देखते वो खरीदने के बाद वो महंगा भी होता है, इतना सस्ता नहीं है, मेरे को लगता है बहुत सस्ता है बट एक्चुअली वो काफी महंगा है। अब वो लगाने के बाद एक छोटा छोटा करके खरीदना होगा, कम अमाउंट उसको लगा के देखना होगा कैसा, मतलब सब कुछ व्हाइट करना पड़ेगा इस कलर के साथ, व्हाइट बहुत अच्छा चलता है। हाँ, जैसे एसी बहुत अच्छा दिख रहा है एसी उस, इसलिए हमने सोचा कि सब कुछ व्हाइट करेंगे, तो ये व्हाइट और अगर यहाँ पे भी व्हाइट कर देंगे तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये टेबल जैसे हट जाएगा वो वाले रूम पे जाएगा, और ये जो भी है वो सब कुछ हटा देंगे, ये सोफा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे बेड रहेगा और बेड के बाएं तरफ दाएं तरफ स्पेस रहेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में पंखा है, यहीं पे लगाना होगा बेड को। मैं सोच रही हूँ कि इसको भी व्हाइट कलर कर दूंगी, फैन को भी व्हाइट कलर कर दूंगी, और जो बेड आएगा उसको भी लगभग व्हाइट कलर का हो तो ठीक। व्हाइट कलर का बेड बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे काठ का बहुत गंदा दिखेगा। हाँ, ये थोड़ा मॉडर्न लुकिंग वाला कलर है ना, इसलिए अब बाकी तो कर्टेंस क्या व्हाइट कराएंगे कि ये नहीं ठीक। मेरे को तो ये सही लगता है, कर्टेंस भी व्हाइट, सब कुछ व्हाइट। नहीं, कर्टेंस व्हाइट होने से क्या होगा, हाँ व्हाइट होने से जब यहाँ पे वीडियो करोगी तब तुम्हारे चेहरे का कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये डार्क है तुम्हारे चेहरे का कलर और ब्राइट हो जाता है। कर्टेन फिर भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। तो जो भी है ये सीन है, बिकॉज ऑफ कम स्पेस है, ये 8 फुट, ये जो यहाँ से यहाँ है ये 8 फीट है, तो बहुत ही शॉर्ट है, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो बेड होगा वो भी बहुत पतला, मतलब ज़्यादा चौड़ा बेड नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30, काफ़ी जल्दी हो गया, 11:30 ही बज रहा है। सो माई एडिटिंग इज़ डन, तो कल एक्चुअली सुबह सुबह एक मीटिंग है जिसकी वजह से मैं सुबह, एक्चुअली क्या होता है 12 बजे अपलोड करता हूँ, सुबह टाइम मिल जाता है एडिट करने का, तो कल नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज थोड़ा कर लिया काम,